गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के जो आप लोगों को छोटा बेसिक पढ़ाए थे फर्स्ट वीडियो में, उसके उसको स्कन करने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, देखिए जैसे बोर्ड एग्जाम 2019-20 जल्दी आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, जो आपका इंग्लिश मीडियम का 15 फरवरी से है और आपका हिंदी मीडियम का जो 18 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है क्लास टेंथ का एंड ट्वेल्थ का। मैथमेटिक्स के उस क्वेश्चन हम रिवीजन करना चाहेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखिए आपका एग्जाम जो है वो इस बेस पे होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अभी भी बहुत टाइम है। यहाँ पे एक छोटा सा कोर्स लिखे हैं, कोर्स को हम क्या कहेंगे, इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट का मतलब क्या होता है, आप लेट नहीं हो, आप अभी से भी क्या कर सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो। देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम करेंगे। जो आपके इम्पोर्टेंट जो आपका ट्रिग्नोमेट्री था, हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन या बेसिक रूल्स पढ़ाए थे, जो रेशियो होता है, कौन से रेशियो कौन चेंज होता है, उसमें बाकी चीज़ें आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए हैं, एक प्रूव करने वाला है, एक फाइंड करने के लिए। ठीक है, दो क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है साइन 45 अपॉन कोसेक 30 प्लस सेक 60 अपॉन कॉट 45 माइनस 5 साइन 90 डिग्री अपॉन 2 कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। मतलब ये दो साइड दिया गया है, एक लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS कहते हैं या बायां पक्ष, या राइट हैंड साइड जिसमें 0 दिया है, मतलब वो दायां साइड दायां पक्ष है। अब आपको ये प्रूव करना है कि LHS को हम सॉल्व करें, सोल्यूशन करें, तो आपका एक क्या हो जाना चाहिए, पूरा LHS 0 हो जाना चाहिए, यानी कि जो LHS है या RHS दोनों क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, देखना इसमें आप प्रूव करते हैं। देखो लिखेंगे यहाँ पे LHS जो है आपका LHS है, लिखेंगे 1045 डिग्री अपॉन कोसेक 30 डिग्री। एग्जाम में सेम ऐसे आप लिखिएगा, कोसेक 30 प्लस सेक 60 अपॉन कॉट 45 डिग्री माइनस 5 साइन 90 डिग्री अपॉन 2 कॉस 0 डिग्री, ये आपको दिया गया है जो आपका LHS साइड। ठीक है, LHS साइड को हम सिर्फ प्रूव करने के लिए, देखिए इसमें ओनली 45 की वैल्यू, 30 डिग्री सबकी वैल्यू आपको क्या है पता है, जो आप टेबल पढ़े हो स्पेसिफिक एंगल में पढ़ाया जाता है, जो आपका साइंस 0 से लेकर 90 डिग्री होता है, ऐसे ही सभी रेशियो के जैसे साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, ऐसे आपके सभी के वैल्यू इसमें दिए गए हैं टेबल में, वो आप लोग अपने बुक से या किसी भी मेथड से याद कर लीजिएगा। इसमें 45 60 90 30 45 0 ये सब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1045 की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1 कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 कॉट 45 की वैल्यू 1 और 5 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और आपका 2 कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इसको हम प्रूव करेंगे, देखिए कैसे होता है। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है, हम बस वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और प्लस सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 5 इनटू सेक साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 इनटू कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 1, क्या होती है 1। अब इसको हम प्रूव करेंगे, देखिए 2 इस सब में हम एलसीएम ले सकते हैं, देखिए 2 1 2 एलसीएम हम ले तो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, देखिए एलसीएम लेने का मतलब क्या, इसको हम सॉल्व करें तो आएगा 1/2 प्लस 2/1 माइनस ये 5/1 क्या हो जाएगा 2, 5/5 2/2 इसको हम एलसीएम मेथड्स लगाएंगे, देखिए क्या होगा। एलसीएम मेथड ये कहता है कि तीनों जो आपका डिनोमिनेटर होगा यानी जो हर होगा नीचे वाला, उस हर को हम क्या करेंगे, ये 2 है और 1 है, ये 2 है मतलब 2 और 2 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 2 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आएगा 2 आएगा। अब इसको हम 2 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर भी करेंगे, यानी कि ऊपर भी क्या हुआ 2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आता है क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। अब हम एलसीएम लेते क्यों है, एलसीएम लेने का मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसको हम इक्वल करते हैं, तो हर को इक्वल कर दिया तो हुआ 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस ये क्या है 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 4/1 क्या होगा 4/1 होगा 5 माइनस 5 अपॉन 2
फाइव अपॉन क्या होगा जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा जीरो। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस इसको टू आर एच एस, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये आपका त्रिकोणमिति का प्रूव करने का क्वेश्चन था। देखिए कितने स्टेप होगा, बेसिकली इसमें केवल सिंप्लीफिकेशन है, अगर इसको सिंप्लीफिकेशन आता हो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 1, 2, 3, 4 जितने भी आपका सिंप्लीफिकेशन हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू इसकी वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए, ठीक है।